कमरे के बाहर खड़ी हूँ। करीबन एक घंटे से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जिन औरतों को डिटेन किया गया है हमें उनसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन पुलिस अब भी अटधर्मी के साथ खड़ी हुई है। इसी साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और सब यही कह रहे हैं कि हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। इसके साथ साथ सिविल ट्रॉमा सेंटर में तकरीबन एक दर्जन के करीब मुजाहिरीन जो है ना जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, जिनको फ्रैक्चर भी हुए हैं, अभी उनका ऑपरेशन भी चल रहा है। इस फसादियत की बिना जो है ना बलूचिस्तान हुकूमत ने की है, जिसने पुरअमन मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की गोलियां बरसाई। और अभी इस वक्त खवातीन ऐसी हैं जिनको कैंट मुंतकिल किया जा रहा है बिना किसी FIR के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि इस फसादियत और इस जबर के खिलाफ आए और इकट्ठा हो जाए। सरयाब में अभी एक धरना जारी है, अगर जल्द अज जल्द औरतों को जो है ना रिहा नहीं किया गया, हम फिर से रेड जोन की तरफ जो है ना मार्च करने का ऐलान करेंगे। उसके बाद अब जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार जो है ना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट होगी। थैंक यू। थाने के बाहर खड़ी हूँ, करीबन एक घंटे से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जिन औरतों को डिटेन किया गया है हमें उनसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन पुलिस अब भी अटधर्मी के साथ खड़ी हुई है। इसी साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और सब यही कह रहे हैं कि हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। इसके साथ साथ सिविल ट्रॉमा सेंटर में तकरीबन एक दर्जन के करीब मुजाहिरीन जो है ना जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, जिनको फ्रैक्चर भी हुए हैं, अभी उनका ऑपरेशन भी चल रहा है। इस फसादियत की बिना जो है ना बलूचिस्तान हुकूमत ने की है, जिसने पुरअमन मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की गोलियां बरसाई। और अभी इस वक्त खवातीन ऐसी हैं जिनको कैंट मुंतकिल किया जा रहा है बिना किसी FIR के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि इस फसादियत और इस जबर के खिलाफ आए और इकट्ठा हो जाए। सरयाब में अभी एक धरना जारी है, अगर जल्द अज जल्द औरतों को जो है ना रिहा नहीं किया गया, हम फिर से रेड जोन की तरफ जो है ना मार्च करने का ऐलान करेंगे। उसके बाद अब जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार जो है ना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट होगी। थैंक यू।